हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज का वीडियो है डबल डेकर ट्रेन का। ये ट्रेन है 11086 मडगांव LTT AC एक डबल डेकर एक्सप्रेस। लोको यूज़ किया है मैंने कल्याण का WDP 3 है। रूट है मुंबई 2011 और उसमें 2015 का अपडेट। ये एक्टिविटी है रोहा से LTT तक का, मैंने पनवेल तक किया है। चलो तो आप वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपको अगर ये वीडियो देखना है और नए नए वीडियोस देखने हैं तो यार सब्सक्राइब करो। दोस्तों, यहाँ पे अब क्रॉसिंग होने वाला है। सिंगल लाइन की यही स्पेशलिटी है, क्रॉसिंग होता है यहाँ पे। तो अब डबल डेकर को हम लूप से लेंगे। लूप में आने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की लिमिट रहती है।
तो जैसे ही हम लूप लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, क्रॉसिंग वाली ट्रेन निकल जाती है। अभी तो सिग्नल के लिए रुके हैं, सिग्नल येलो हो जाएगा फिर हम निकलेंगे। ये फ्रेट ट्रेन हमारे ट्रेन के क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई थी। जैसे ही हमारी ट्रेन क्रॉस करेगी फ्रेट निकल जाएगी। देखो दोस्तों, और एक फ्रेट ट्रेन हमारे क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई है। जैसे ही हम लोग निकलेंगे मेन लाइट से, वैसे ही फ्रेट भी निकल जाएगी। दोस्तों एक और फ्रेट क्रॉसिंग WDG4 के साथ फ्रेट खड़ी है। तो दोस्तों अब हम पनवेल के करीब आ चुके हैं। तो 2 किलोमीटर दूर है पनवेल स्टेशन यहाँ से। ये दो लाइन जो बाजू में दिख रही है वो पनवेल कर्जत लाइन है। अभी हम पनवेल को इंटर करेंगे।
दोस्तों लगभग हम पहुंच ही गए हैं, बस सिग्नल रेड है आगे क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन खड़ी है, वो निकलेगी तो हमें सिग्नल मिल जाएगा तो हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों हमें सिग्नल मिल गया और हम अभी पनवेल में आ रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच गए अभी पनवेल स्टेशन पे, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर वीडियो देखने हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।